नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय PBY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। हथियार के बल पर अपराधियों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को दिया अंजाम, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दुर्गा पूजा को लेकर सिटीएस परिसर में शांति समिति की हुई बैठक, सिटी SP ने आपसी भाईचारे के साथ त्यौहार मनाने की अपील। पत्रकार साकेत के आकस्मिक निधन पर शोक सभा का हुआ आयोजन, पुष्प अर्पित कर मीडिया कर्मियों ने किया नमन। शराब की खेप लेकर बिहार आ रहा 3 तस्कर चढ़ा पुलिस के हत्थे, चेकिंग अभियान के दौरान मिली सफलता। और जल जीवन हरियाली योजना के प्रचार प्रसार को लेकर DRDA परिसर से निकाली गई साइकिल रैली। और अब खबरें विस्तार से। बांका के धनकुंड थाना क्षेत्र में 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हथियार के बल पर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बांका पुलिस हरकत में आई और मुख्य आरोपी रंजन मंडल को उसके 2 सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से 2 देसी कट्टा बरामद किया है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की के पिता दिल्ली में रहकर मजदूरी करता है। बुधवार को लड़की की माँ किसी काम से बाहर गई थी, तभी मौका पाकर गाँव के ही रंजन मंडल ने हथियार का भय दिखाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। आरोपियों ने यह बात किसी को बताने पर प्रीता को जान से मारने की धमकी दी। धनकुंड थाना अध्यक्ष बिमल कुमार ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। वहीं प्रीता को मेडिकल जांच के लिए बांका भेज दिया गया है। नाथनगर स्थित सिफाई प्रशिक्षण केंद्र परिसर में गुरुवार को दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति और पूजा समिति के सदस्यों के साथ बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता CT SP सुशांत कुमार सरोज ने की। बैठक में दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस दौरान CT SP ने प्रतिमा स्थापित करने के लिए लाइसेंस लेने की बात कही। वहीं पूजा समिति के सदस्यों ने मूर्ति विसर्जन वाले घाटों पर CCTV कैमरा लगाने, गंगा घाटों पर SDRF की तैनाती करने, निर्बाध बिजली आपूर्ति करने एवं चौक चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करने की बात कही। इस अवसर पर CT DSP राजवंत सिंह, इंस्पेक्टर सज्जाद हुसैन, ललमटिया प्रभारी बबलू कुमार, मनीष कुमार, पप्पू यादव, भवेश यादव, पंकज दास, अमरनाथ भगत सहित पूजा समिति के कई सदस्य मौजूद थे। देखिए, मैं ड्यूअल चार्ज हूँ, मैं CT SP के साथ साथ प्रचार्ज यहाँ का भी परिवार में हूँ, इसीलिए यहाँ बैठक रखा। यहाँ पास मनस्कामना मंदिर है, यहाँ भी पूजा होती है। परसों में यहाँ घूमने भी आया था, मंदिर की वो देखा भी था। क्योंकि यहाँ पर रावण वध होता है और ये बहुत बड़ा फंक्शन होता है, तो सोचा कि क्यों नहीं मैं यहीं पे मीटिंग रख लूं और स्थल का निरीक्षण भी कर लूं इन लोगों के साथ में। ये हुआ उद्देश्य, यहाँ मीटिंग मैंने क्यों किया। दूसरा, हम लोग दुर्गा पूजा कैसे शांतिपूर्ण संपन्न करें बिना कोई बाधा का, बिना कोई त्रुटि का, हमने वो चर्चा इन लोगों से किया और उम्मीद भी किया कि इतनी पीस कमेटी है, पूजा समिति है, उनके सहयोग से इस बार हम लोग पूजा अच्छे ढंग से कर सकेंगे। आज दुर्गा पूजा मेड़पतियों एवं प्रशासन, हमारे प्रशासन के साथ बैठक हुई, निर्णय लिया कि जो दुर्गा पूजा जो हमारा होगा पर्व, उसमें DJ पर प्रतिबंध, 9 तारीख को विसर्जन होगा और नाथनगर भागलपुर जो शांति सद्भाव से हम दोनों भाई पर्व मनाते हैं, रावण रामलीला समिति और पूजा समिति दोनों लोग आपस में बात कर लिए हैं कि आप जो है जो व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से जो है मेला मैदान में रहता है वो रहेगी और सारे शांति समिति के लोग, दोनों समुदाय के लोग अपने अपने जगह पर मुस्तैद रहेंगे। भागलपुर सन्मार्ग अखबार में कार्यरत पत्रकार साकेत कुमार के आकस्मिक निधन को लेकर गुरुवार को शोक सभा का आयोजन किया गया। ईस्टर्न बिहार फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से आयोजित शोक सभा में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों ने मृतक साकेत की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस दौरान मृत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर पत्रकारों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। शोक सभा की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष शशि शंकर ने की, जिसके बाद मौजूद पत्रकारों ने घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को एसोसिएशन की ओर से आवेदन देने की मांग की।
हम आपको बता दें कि साकेत कुमार का अपने पैतृक आवास नौगछिया से भागलपुर आने के दौरान मंगलवार की रात विक्रमशिला पुल पर सड़क हादसे में मौत हो गई थी। शोक सभा में वरिष्ठ पत्रकार गिरधारी लाल जोशी, आशुतोष कुमार, दीपक नौरंगी, कुणाल सेकर, रविंद्र शर्मा, सुशील कुमार, सुमित कुमार, राजीव कुमार सहित कई मीडियाकर्मी मौजूद थे। मौके पर हम लोग आज यहाँ उनकी शोक सभा के लिए एकत्रित हुए। वो एक उभरते हुए पत्रकार थे और सुचारू थे और उनके अंदर ऊर्जा थी। वो ऊर्जा किस वजह से ख़त्म हो गई, ईश्वर को प्यारे हो गए वो। सरकार की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे। मैं इसके लिए डीजीपी साहब से बात करूँगा, सीनियर एसपी आशीष भारती से रिक्वेस्ट करूँगा, जिस कारण से ये घटना हुई है या हत्या हुई है इसकी जाँच होनी चाहिए। इसके लिए टीम का गठन होना चाहिए। मोबाइल सीडीआर, उसके दोनों नंबर में किससे बातचीत हुई, घटना के समय क्या लोकेशन हुआ, मैं सीनियर एसपी को कहूंगा। मुझे आवश्यकता पड़ेगी, पुलिस मुख्यालय के वरीय अधिकारी से मैं अनुरोध करूंगा कि भागलपुर के जो पत्रकार रात बेरात निकलते हैं उसकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें। पत्रकारों का ऐसे ही दिनचर्या बहुत ही खतरनाक रहता है, सुबह से लेकर रात तक। उसके बाद जब वो घर नहीं लौटते हैं, उनके परिवार के सदस्यों पर क्या बीती है, बांका पुलिस ने झारखंड से शराब लेकर बिहार आ रहे 3 शराब कारोबारी को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पंजवारा थाना अध्यक्ष मुरलीधर साह को तस्करों द्वारा शराब लाए जाने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में गोविंदपुर विक्रमपुर मार्ग में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। इसी दौरान झारखंड की ओर से शराब लेकर आ रहे 3 लोगों के बैग की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान बैग से 46 लीटर देसी शराब बरामद किया गया। पकड़े गए तस्करों की पहचान गोड्डा निवासी नितेश कुमार, बाराहाट निवासी प्रिंस कुमार एवं हेमंत कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने पकड़े गए शराब तस्करों के 2 मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए 3 आरोपी को जेल भेज दिया। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली के प्रचार प्रसार को लेकर गुरुवार को डीआरडीए परिसर से जागरूकता रैली निकाली गई। साइकिल रैली को डीआरडीए डायरेक्टर प्रमोद कुमार पांडे और जिला जनसंपर्क पदाधिकारी बिंदुसार मंडल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान साइकिल रैली में शामिल जिले के विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने नगर भ्रमण कर आम लोगों को जल संरक्षण और पर्यावरण के प्रति जागरूक होने की अपील की। रैली जिला स्कूल पहुंचकर संपन्न हुई। डीपीआरओ बिंदुसार मंडल ने कहा कि जल जीवन हरियाली को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से पेंटिंग, निबंध, लेखन और वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। बांका के रजौन प्रखंड स्थित कतरिया नदी में पानी का बहाव बंद हो जाने से परेशान किसानों ने गुरुवार को भागलपुर प्रमंडलीय कार्यालय के समीप धरना प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जाप नेता डॉक्टर चक्रपाणि हिमांशु ने की। इस दौरान मांगों से संबंधित ज्ञापन कमिश्नर को सौंपा गया। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा कि कतरिया नदी में छिटका पर अवैध दीवार का निर्माण असामाजिक तत्वों द्वारा कराया गया है, जिसके कारण नदी में पानी का बहाव बंद हो गया, जिसके कारण किसानों के बीच पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। किसानों ने कहा कि पानी के अभाव में 3000 एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो जाएगा। किसानों ने जल्द समस्या समाधान करने की मांग प्रमंडलीय आयुक्त से की। इस अवसर पर काफी संख्या में किसान मौजूद थे। आज हम लोग कमौला सबौर यानी भागलपुर जिले के किसान जो कतरिया नदी के पानी को लेकर के खेतों में जो सब पानी आता था वो कतरिया नदी में बांध को ऊँचा करने के कारण, कतरिया नदी का डैम को ऊँचा करने के कारण किसानों को पानी नहीं आता है। इसी के खिलाफ आज प्रमंडलीय आयुक्त भागलपुर के यहाँ हम लोग का एक दिवसीय प्रदर्शन था। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद आप देखते रहिए सिलेक्ट टीवी। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त भागलपुर जिले का प्रतिष्ठित ताड़र महाविद्यालय ताड़र में सत्र 2019-20 के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन जारी है। आज के इस अत्याधुनिक युग में कंप्यूटर की जानकारी विशेषकर छात्रों में रोजगार परक साबित हो रही है। इस कोर्स में बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट, एमएस ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट शामिल है। नित नई सफलता प्राप्त कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह द्वारा छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए महाविद्यालय में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, सुसज्जित पुस्तकालय एवं एक्सपर्ट शिक्षकों की संपूर्ण व्यवस्था की गई है, जो छात्रों को संबंधित कोर्स में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके।
इच्छुक छात्र छात्राएं 25 जुलाई से महाविद्यालय से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9431689547 या 7979051039 पर संपर्क कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। नाथनगर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक की ओर से प्रत्याशी के नाम की घोषणा की गई। खलीफाबाग चौक स्थित पार्टी कार्यालय में गुरुवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील कुमार, उपाध्यक्ष बबलू कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सबौर निवासी अजय कुमार मंडल को उम्मीदवार घोषित किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अजय मंडल गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने वाले ऑटो चालक हैं। उन्होंने कहा कि नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में बड़े बड़े संस्थान, बुनकर और उद्योग है, इसके बावजूद यह क्षेत्र विकास से कोसों दूर है। उन्होंने जाति धर्म से हटकर मतदान करने की अपील लोगों से की है। इस वार्ता का जो मुख्य मुद्दा है, एक मुद्दा है, एक तो हमारे शहर में एक युवा पत्रकार का एक्सीडेंट में डेथ हो गया, एक समाज सेवी का देहांत हो गया। हम लोगों ने एक शोक सभा आयोजित करना है, साथ में जो वर्तमान में शहर में 14 प्रखंड में अभी बाढ़ से पीड़ित है, बाकी जो एक दो प्रखंड बचा है उसमें डेंगू से पीड़ित है। इस स्थिति में जनता के साथ में क्या हो रहा है उस पर एक समीक्षा रख रहे हैं। भागलपुर के आनंद राम ढांढानिया सरस्वती विद्या मंदिर में गुरुवार को ज्ञान विज्ञान मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर हेमंत कुमार सिन्हा, प्रधानाचार्य मनोज मिश्र एवं प्रबंध कार्यकारिणी समिति के सचिव प्रोफेसर सलेश्वर प्रसाद ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा ज्ञान विज्ञान से जुड़ी प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका अवलोकन कार्यक्रम में मौजूद अभिभावकों एवं अतिथियों ने किया। वहीं शिशु वर्ग की ओर से खाद्य श्रृंखला, मृदा संरक्षण, बाल वर्ग की ओर से ऊर्जा संरक्षण, आपदा प्रबंधन, कृषि तकनीक का विकास एवं वस्त्र उत्पादन से संबंधित प्रदर्शनी लगाई गई थी, जबकि किशोर वर्ग की ओर से गति आधारित मानव में रक्त संचार, वायु प्रदूषण एवं तरुण वर्ग की ओर से पर्यावरण नियंत्रण एवं वैज्ञानिक सोच पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई थी। प्राचार्य ने कहा कि भारतीय संस्कृति पर आधारित शिक्षा के साथ बच्चों में वैज्ञानिक सोच होना आवश्यक है। इस दौरान प्रदर्शनी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर आचार्य सचिदानंद सिंह, भीष्म मोहन झा, अजय कुमार, ओम प्रकाश शर्मा सहित कई शिक्षक मौजूद थे। भागलपुर सनहौला थाना क्षेत्र के पोठिया गांव में धनंजय चौधरी हत्याकांड मामले में 45 वर्ष बाद फैसला आया। एडीजे 8 एमपी सिंह की अदालत ने हत्याकांड में शामिल चतुरानंद चौधरी उर्फ मंटू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल 28 अप्रैल 1974 को सनहौला के पोठिया गांव में भतीजा चतुरानंद चौधरी ने लाइसेंसी राइफल से धनंजय चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्याकांड मामले में 7 लोगों की गवाही हुई, जिसमें सभी गवाहों ने घटना का समर्थन किया। सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहम्मद रियाज खान ने बहस में भाग लिया। राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे स्वच्छ भारत अभियान पखवाड़ा के तहत गुरुवार को एनसीसी कैडेटों ने स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान कैडेटों ने मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज परिसर की साफ सफाई की। फोर बिहार बटालियन की ओर से आयोजित स्वच्छता अभियान को लेकर कैडेटों ने साफ सफाई के प्रति छात्रों को सजग होने का संदेश दिया। स्वच्छता अभियान का संचालन मेजर रजी इमाम और सूबेदार जगीर सिंह ने किया। इस अवसर पर नीतीश, सागर, आशीष, कुश कुमार, चमन, काजल, बबली, नेहा सहित कई एनसीसी कैडेट मौजूद थे। भागलपुर के गनीचक स्थित क्रिसेंट इंग्लिश स्कूल में हमदर्द एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से दंत चिकित्सा कैंप लगाया गया, जिसमें 200 से अधिक छात्र छात्राओं के दांतों की जांच कर चिकित्सकों ने दवा वितरण किया, साथ ही दांतों की बेहतर देखभाल के लिए उचित परामर्श दिया। डेंटल चेकअप कैंप में डॉक्टर इजहारुल इमाम, डॉक्टर रजी और डॉक्टर सैन प्रभा ने अपना योगदान दिया। इस मौके पर स्कूल के निदेशक सैयद रजी अहमद ने कहा कि स्कूल में छात्रों की सेहत को लेकर हमेशा कैंप लगाकर उसकी स्वास्थ्य जाँच कराई जाती है। इस अवसर पर सोसाइटी के इजहार अली, मोहम्मद जगी उल्ला, अबू सलाह सिद्दीकी, तनवीर सहित कई सदस्य मौजूद थे। दुर्गा पूजा को लेकर साकुन थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने की। बैठक में मौजूद वीडियो अमर कुमार मिश्रा, सीओ जयप्रकाश ने आपसी भाईचारे के साथ त्यौहार मनाने की बात कही। वहीं थाना अध्यक्ष ने कहा, त्यौहार के दौरान लोग अफवाह से बचे और असामाजिक तत्वों की पहचान कर सूचना दें, जिससे समय पर कार्रवाई की जा सके। साथ ही थाना अध्यक्ष ने पूजा समिति के सदस्यों को डीजे नहीं बजाने की बात कही। बैठक में विपिन बिहारी, विनय सिंह, अशोक यादव, मनोज मंडल सहित कई लोग मौजूद थे।
कहलगांव के सनहौला प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय रमासी के मुख्य गेट पर कीचड़ फैल गया है, जिसके कारण स्कूल जाने में छात्र छात्राओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल में प्रवेश करते ही कई छात्र कीचड़ में फिसल कर चोटिल हो गए। स्कूल के शिक्षक ने बताया कि ठेकेदार के द्वारा लाल मिट्टी को स्कूल के मुख्य गेट के समीप गिरा दिया गया है, जिसको कई बार हटाने के लिए कहा गया लेकिन नहीं हटाया गया। शिक्षक ने सीओ से अविलंब मुख्य गेट परिसर की सफाई कराने की मांग की है। रमासी उत्क्रमित मध्य विद्यालय के मेन द्वार पर गीली मिट्टी के वजह से तमाम छात्र और छात्राएं को आने जाने में विद्यालय काफ़ी परेशानी हो रही है। इस पर हमने अंचलाधिकारी संभाला को कहा है कि ठेकेदार को अविलंब जा करके बोल करके उस पर मोरंग और ये पत्थर और मोरंग गिरा करके ठीक ठाक कर दें, ताकि विद्यालय जाने वाले सभी विद्यार्थियों को सुविधा हो सके। चलते चलते फिर से एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीवीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। हथियार के बल पर अपराधियों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को दिया अंजाम, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दुर्गा पूजा को लेकर सिटीएस परिसर में शांति समिति की हुई बैठक, सिटी एसपी ने आपसी भाईचारे के साथ त्यौहार मनाने की अपील। पत्रकार साकेत के आकस्मिक निधन पर शोक सभा का हुआ आयोजन, पुष्प अर्पित कर मीडिया कर्मियों ने किया नमन। शराब की खेप लेकर बिहार आ रहा 3 तस्कर चढ़ा पुलिस के हत्थे, चेकिंग अभियान के दौरान मिली सफलता। और जल जीवन हरियाली योजना के प्रचार प्रसार को लेकर डीआरडीए परिसर से निकाली गई साइकिल रैली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।